हे गाइस, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। गाइज, क्या आपके घर में आ गई है कोई मेडिकल इमरजेंसी, या फिर आपको शादी के लिए पैसे की जरूरत है, या फिर आप अपने बंद कारोबार को स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, कोई भी कंपनी आपको लोन नहीं दे रही है, तो आज इस वीडियो में आप लेने वाले हैं घर बैठे अपने मोबाइल फोन से केवल आधार कार्ड पैन कार्ड देकर पूरे 10,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक का लोन। अगर आप लेना चाहते हैं लोन तो वीडियो इसकी बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपको यहाँ पर मैं कंप्लीट स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कितने इंटरेस्ट पर आपको यहाँ पर लोन मिलेगा, किसको लोन मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा, लाइव प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर आज मैं लोन लेकर दिखाने वाला हूँ। अगर आप लेना चाहते हैं लोन तो वीडियो इसकी बिल्कुल मत करना, हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, पहली बार वीडियो देखे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूले ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस, देखते हैं कौन सी कंपनी जहां पर आप ले सकते हैं इंस्टेंटली अर्जेंट लोन। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, इस COVID-19 में अगर कोई कंपनी लोन दे रही है उस कंपनी का नाम है Z2P। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे प्ले स्टोर में जाएंगे, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी। एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके आपको दिखा देगा। प्ले स्टोर के अंदर अगर मैं रेटिंग की बात करूँ 3.9 रेटिंग है और 500K+ डाउनलोड की जा चुकी वाली एप्लीकेशन। अगर मैं डिटेल में बात करूँ इस कंपनी की, तो गाइज कंपनी आपको यहाँ पर बोल रही कि भाई आप यहाँ पर इंस्टेंटली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बोल रहा था कि आपको यहाँ पर 10,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है, तो यहाँ पर आपको कंपनी बोले कि भाई हम आपको यहाँ पर जीरो पेपर वर्क पर घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से दे सकते हैं 1,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक का लोन। रिपेमेंट आपको यहाँ पर करना होगा 62 दिन या फिर 180 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर 15,000 रुपये तक का लोन 62 दिन से लेकर 180 दिन तक के लिए मिल सकता है, जिस पर आपको इंटरेस्ट लगने वाला है 25% से लेकर मैक्सिमम 72% तक। नो प्रीपेमेंट चार्जेस आपके यहाँ पर लगने वाले हैं। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप इंडियन रेजिडेंस होने चाहिए, आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, आप इंडिया के रहने वाले होने चाहिए, आप सैलरीड प्रोफेशनल होने चाहिए चाहे आप स्टूडेंट हो, आपके पास एक रजिस्टर्ड बिजनेस अकाउंट होना चाहिए अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यानी आप सैलरीड हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको यहां पर एक सेल्फी, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड और लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट आपको यहां पर देनी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहां पर लेते हैं 5,000 रुपये का लोन 72% पर एनएम के इंटरेस्ट पर, तो आपको 62 दिन के लिए लोन मिलेगा और 5,600 रुपये का टोटल रिपेमेंट आपको यहाँ पर करना होगा। आप ये लोन किस चीज़ ले सकते हैं ये तो आप सभी को पता है गाइस, जो पर्सनल लोन होते हैं वो लिए जाते हैं रेंटल डिपॉजिट, मेडिकल इमरजेंसी, ट्रैवल लोन्स, फैमिली फंक्शन, ठीक है, या फिर आप जो है किसी भी पर्सनल जरूरत के लिए अप्लाई कर सकते हैं पर्सनल लोन के लिए। किस तरीके से अप्लाई करना है वो मैं आपको आगे बताई दूंगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या करना, अगर आप लेना चाहते हैं इस COVID-19 में लोन, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस सबसे पहले आपको एप्लीकेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होगा आपके मोबाइल नंबर से। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, OTP डालनी है, वेरीफिकेशन करनी है आपने मोबाइल नंबर की, और इसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर लेंगे। जब आप एप्लीकेशन के अंदर सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। लोन लेने के लिए गाइज आपको यहाँ पर टोटल 5 स्टेप कंप्लीट करने होंगे, जिसके अंदर आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल देनी होगी, उसके बाद बिजनेस डिटेल देनी होगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, बैंक डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट वेरीफिकेशन आपको यहाँ पर करनी होगी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पर्सनल डिटेल की, इसके अंदर आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डाल देना है। आपको नाम यहाँ पर वही डालना है जो आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड के अंदर हो। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देनी है, जेंडर डाल देना है, आपका करंट एड्रेस डाल देना है, और अपना सेम, अगर आपका करंट एड्रेस डालने के बाद आपने सेव डिटेल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर आपकी बिजनेस डिटेल देनी है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, पिन कोड, सिटी, आपकी मंथली इनकम कितनी आपने यहाँ पर वो डाल देनी है। सर्विस में आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि आप कितने साल से काम करते हैं कंपनी के अंदर, आपकी एनुअल इनकम कितनी है, ठीक है, ये डिटेल आपने सही से फिल करनी है, और आपने सेव डिटेल पर क्लिक करने के बाद इस डिटेल को भी फिल कर देना है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर आधार कार्ड की फ्रंट एंड बैक फोटो अपलोड कर देनी है, पैन कार्ड की फ्रंट फोटो अपलोड कर देनी है, एक सेल्फी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। नीचे आपको यहाँ पर एक प्लेन पेपर पर अपने सिग्नेचर करने के बाद वो सिग्नेचर की फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। ये है KYC डॉक्यूमेंट्स जो आपको क्लियर अपलोड करनी होंगे। डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पर जो है बैंक डिटेल देनी होगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी होगी लास्ट 3 मंथ की। नीचे आपको यहाँ पर जो है अपनी बैंक अकाउंट डिटेल आपको देनी होगी। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, डिटेल आपने सही से फिल करनी है अपनी बैंक अकाउंट की, क्योंकि अगर आपने बैंक अकाउंट डिटेल गलत दे दी फिर आपकी जो लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर नहीं आ पाएगी। तो आपको यहाँ पर अपनी बैंक का नाम डाल देना है, आपका नाम क्या बैंक के अंदर वो डाल देना है, अकाउंट नंबर डाल देना है, बैंक का जो IFSC कोड डालने के बाद आपने इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर देना है और आपने इसको सेव
कर देना है। सेव करने के बाद गाइज लास्ट में आपको यहाँ पर जो अल्टरनेट कॉन्टैक्ट वेरिफिकेशन करनी होगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पर दो रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर देने होंगे। एक बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो भी रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पर दे वो एक्टिव होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पर एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया तो आपका जो लोन है यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इन मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन हो सकती है आपकी एक बार कॉल करने के बाद। गाइज देखिए मैंने यहाँ पर ये पाँचों के पाँचों स्टेप कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके जो 100% कंप्लीट होने के बाद दिखाई देंगे और आपको यहाँ पर एक लिमिट मिलेगी, 1000 रुपये से लेकर 15000 रुपये के बीच आपको यहाँ पर कितनी भी लिमिट मिल सकती है। ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे यहाँ पर इन्होंने 1000 रुपये की लिमिट दी है, यानी मैं 1000 रुपये का लोन अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। जब आपको एक बार लिमिट मिल जाएगी, लिमिट मिलने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर ये बोल एक बार यूर प्री अप्रूव्ड लोन लिमिट जो है वो 1000 रुपये है, यानी मैं 1000 रुपये के लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। आपको यहाँ पर मुझसे ज़्यादा मिल सकती है, लॉकडाउन है, कंपनियाँ लोन नहीं दे रही है, इसलिए यहाँ पर कंपनी ज़्यादातर जो अभी कम अमाउंट का ही अप्रूवल दे रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जितना भी लोन अमाउंट की अप्रूवल मिले, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 10000 हो, चाहे वो 5000 रुपये, आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मुझे यहाँ पर 1000 रुपये का अप्रूवल दिया है इन्होंने, 62 दिन के लिए मुझे ये लोन मिल रहा है। कुल 120 रुपये मुझे इंटरेस्ट के देने होंगे 62 दिन में, यानी 2 महीने में 1120 रुपये का टोटल रिपेमेंट मुझे यहाँ पर करना होगा। बस आपको यहाँ पर लोन लेने के लिए क्या करना होगा, अप्लाई फॉर ए लोन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप अप्लाई फॉर ए लोन पर क्लिक करेंगे, कन्फर्म करने का यहाँ पर आपको टैब दिखाई देगा, यहाँ पर ये बोले भाई 1000 रुपये का लोन हम आपको 62 दिन के लिए दे रहे हैं, एक बार अच्छी तरीके से आप देख लीजिए, उसके बाद ही कन्फर्म आपने करना है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं आपको कन्फर्म करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि लोन मुझे नहीं चाहिए, लोन तो आपको ही लेना है, इसलिए कन्फर्म आपको ही करना होगा, ठीक है। अगर आप लेना चाहते हैं लोन, आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, थोड़े बहुत पैसे की जरूरत है आपको, तो भाई अप्लाई कर सकते हैं। Z2Pieces का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड करने के बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। केवल आधार कार्ड पैन कार्ड से आपको यहाँ पर लोन मिलने वाला है। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो साथ, अगले बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।